हेलो गाइस, वेलकम टू सुलोस ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और आप देख रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह रेडी हूँ। सुबह में सुबह के बज रहे हैं 10। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये सरप्राइज है आप लोग के लिए। तो आगे जब जाएंगे, आगे का व्यू आप देखेंगे रास्ते में, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी आप गेस करिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। और आलू के फ्रेंड आए हुए हैं, तो वो भी हैं साथ में, तो हम सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो गाइज, आप इंजॉय करिएगा हमारा ब्लॉग, और रास्ते में जो भी व्यू रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो कंटिन्यू। और यहाँ पे देखिए गाइज, आदित्य को मैंने रेडी किया और वो देखिए क्या कर रही हैं। देखिए, ये रेडी होके मैडम क्रीम खा रही थी। इनको देखो जरा, इनको आराम से रिलैक्स होकर सो रही हैं। क्या है, उठो, उठी, चलना नहीं है, चलना है, उठी उठी उठी, बाल खराब हो जाएगा बेटू। अम्मा ठीक किए ना बाल, उठ जाइए। गुड गर्ल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटू। तो गाइज, आप देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं घर से, और रास्ते का व्यू जो आप देखेंगे गाइज। तो गाइज देख सकते हैं बारिश हो रही है, और ये मेरे लड्डू गोपाल, जिसको मैंने मतलब सुबह ही रेडी कर दिया था कान्हा जी को, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए गाइज, रास्ते का व्यू देख सकते हैं आप। बारिश तो ऐसी हो रही थी ना, जम 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 जम। और यहाँ पे देखो उस मस्ती चल रही है, मैं आलू को मुझे डा रही हूँ, आलू को मुझे, आप देख सकते हैं। अरे आलू, अरे बोलो, हाय आलू, कुछ करो, हाय आलू, क्या बोले, हाय हाय सर, वाह मैं अच्छा है, जूम करते हैं। गेट पे ऑफ इंडिया, यही सरप्राइज था। और ताज होटल है उसके जस्ट सामने, और ये देखिए गाइस, ये गेट वे ऑफ इंडिया और मुंबई का, मुंबई में ही है, और ये ताज होटल जस्ट सामने। और आप देख सकते हैं आलोक छाता लिए हुए, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी आदित्य के लिए। और ये देखिए गाइस, हम लोग क्रूज से जा रहे हैं। एलिफेंटा केव है वहाँ पर, वही देखने के लिए जा रहे हैं गाइस। तो देख सकते हैं हम लोग क्रूज पे बैठ गए हैं, और भी लोग बैठ रहे हैं गाइस। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी, पर धीरे 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 फिर सही हो गया। उसके दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। तो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे थे, ये देखिए गाइस, तो समुद्र के बीच में हम लोग चलना स्टार्ट कर दिए। ये रास्ते का व्यूज है, तो आप इंजॉय करिए। आप देख सकते हैं मेरा फेस थोड़ा सा उतरा हुआ है। तो ऐसा हुआ कि जब शिप चल रही थी, बहुत तेज़ लहरें उठ रही थी समुद्र में, तो उसकी वजह से
मुझे ओपनिंग स्टार्ट हो गई और मेरा फेस देख सकते हैं कैसा उतर हुआ है। और आदित्य का भी फेस थोड़ा सा उतर गया था क्योंकि उसको भी ओमटिंग बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। और ये देखिए गाइस, बस अब हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने आदित्य को दूध वगैरह पिला दिया। पिलाने के बाद ट्रेन आती है, ये देख सकते हैं इसी रूट से होके वो एलिफेंटा केव लेके जाती है। और कुछ यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे जो हम लोगों ने खाया और बस यही है टॉय ट्रेन और इसी में बैठ के हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव के पास। गाइज आप देख सकते हैं हम लोग टॉय ट्रेन से पहुंच गए। ये आगे का रास्ता टॉय ट्रेन नहीं जाती है, खुद ही से पैदल जाना पड़ता है। और ये छोटी छोटी शॉप्स आप देख सकते हैं साइड में है। और ये जो देख रहे हैं ना पहाड़ की तरह बना हुआ है, यहीं पे है एलिफेंटा केव। और बस अब हम लोग पहुंच जाएंगे। ये है कि चढ़ना बहुत पड़ता है, थोड़ी सीढ़ी ज़्यादा है वहाँ पर तो थकान लग जाती है। आप देख सकते हैं एकदम हालत इतनी ज़्यादा हो गई, ख़राब हो गई थी ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, उमस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने आलोक से बोला कि आप लोग जाओ देख कर आओ, मेरी तो हिम्मत नहीं है। तो मैं वहीं के पास में एक रेस्टोरेंट था तो वहीं पर बैठ के मैं आदित्य को दूध पिला रही हूँ। और बस अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। एक्चुअली मैं वहाँ पे नहीं जा पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आलोक और आलोक के फ्रेंड जो अनु भैया आए थे वो लोग गए देख कर आए। तो गाइस वहाँ पे प्राचीन काल की गुफा बनी हुई है और उसमें देवी देवता की मूर्ति हैं और अच्छी गुफा है, ये लोग बता रहे थे देख कर आए थे। सॉरी गाइस मैं वहाँ तक नहीं जा पाई और आपको वीडियो नहीं दिखा पाई वहाँ का। नेक्स्ट टाइम कभी भी प्लान बनेगा तो मैं जाऊँगी और आपको वहाँ का भी वीडियो दिखाऊँगी। तो बस ये देखिए गाइज, और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। ये देखिए ये समुद्र है जो कि इतना सुंदर लग रहा था ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब हम लोग रिटर्न ही हो रहे हैं टॉय ट्रेन से। ये रास्ते का व्यूज है और ये देखिए गाइज, और उस टाइम बहुत ज़्यादा बादल बादल हुआ था और फेस तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डल लग रहा होगा आप लोग को क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, जैसे ही समुद्र के पास से हम लोग गुजर रहे थे ना और ज़्यादा उमस लग रही थी। और ये देखिए गाइस लौटते टाइम का व्यू है शाम का, आप देख सकते हैं आदित्य को भी नींद आ रही थी तो वो सो गई। और इस बार हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे बैठे हुए, ऊपर के फ्लोर पे ज़्यादा फील होता है जब लहरों की वजह से जहाज जो होती क्रूज जो है वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, वो ऊपर ज़्यादा पता चलता है। तो बस अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं गाइस। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, अच्छा एक्सपीरियंस था समुद्र के बीच से गुजर के जाने का, बट डर के साथ साथ अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे आप सबकी हालत देख सकते हैं कितना ज़्यादा सब लोग थक गए हैं क्योंकि एलिफेंटा केव के पास से बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और ये देखिए गाइस मैंने थोड़ा शॉर्ट्स बनाया था तो देख रहे हैं आप लहरें कैसी एकदम भयानक रूप दिख रहा है पर बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो आलोक की तो हालत इतनी ख़राब हुई है कि एकदम थक गए हैं। और आदित्य तो छोड़ ही नहीं रही थी, पापा 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 तो मेरे पास आ ही नहीं रही थी, तो बस आलोक के पास ही रह रही थी ज़्यादातर, इसलिए और ज़्यादा वो थक गए थे। और ये देखिए गाइस ये रास्ते का व्यू है कितना सुंदर है और सबके सब फ़ोन निकाल के केवल वीडियो ही बना रहे थे रास्ते में। और मैंने कुछ वीडियो ऐसा बनाया था कान्हा जी का शॉर्ट्स, आप देख सकते हैं। और ये देखिए गाइस समुद्र के बीच में ही ना बहुत बड़ी शिप, ये आलोक कह रहे हैं टाइटैनिक, स्मॉल टाइटैनिक है, टाइटैनिक पार्ट टू। तो ये सब समुद्र के बीच में काम हो रहा है, अटल सेतु बन रहा है। तो उसका ये देखिए आप देख सकते हैं व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो। मतलब मैं ये सब चीज़ों की सोच रही हूँ, एकदम डीप नॉलेज लूँ कि कैसे समुद्र के अंदर ये सब काम होता है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है लेकिन लूँगी बहुत ज़्यादा नॉलेज ये सब के बारे में।
और अब हम लोग रिटर्न हो गए हैं। तो ये देखिए, सोचा था टाइम से आने के बाद ताज होटल भी जाएंगे हम लोग और भी जगह घूमेंगे, बट इतना थक गए थे सब लोग इतना ज़्यादा। ये देखो मेरे तो बाल ही पूरे एकदम ऐसे उड़े उड़े उड़े, सबका फेस एकदम डल है। तो मैं भाई आपको दिखा रही हूँ गाइस चारों तरफ का व्यू। ये शाम का टाइम हो गया है, 5:30 के आसपास हो गया है टाइम। हम लोग मॉर्निंग में गए थे, सोचो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है आने जाने में, 1 घंटे के आसपास लग जाता है जाने में और 1 घंटे लग जाता है आने में। मतलब एलिफेंटा केव की बात कर रही हूँ, समुद्र से जो होके जाना पड़ता है। और ये देखो आदित्य तो इतना थक गई थी कि रास्ते भर वो सोते हुए गई है। बस अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं गाइस घर के लिए। और मौसम भी उस दिन बहुत ज़्यादा सुहाना था, एकदम बादल बादल, बस ये अच्छा था गाइस कि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, हल्की बारिश थी। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती तो शायद हम लोग नहीं जा पाते। और ये देखो बस अब हम लोग आ गए हैं गाइस। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय।